नमस्ते, मेरा नाम अथर्व भार्गव है और आज मैं निस्वार्थ भाव से काम करने का फल जो होता है उस पर एक कहानी बोलूँगा। पहले की बात है, एक डॉक्टर था, वो बहुत दानी प्रवृत्ति का था, उसे दान करना बहुत पसंद था। तो वो एक बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रूप में दान करे, क्योंकि वह हर तरह से दान कर चुका था। तो वह एक गुरु के पास जाता है और पूछता है कि महात्मा मैं कैसे दान करूं? तो वह बोलते हैं कि तुम अपनी पत्नी से कहो कि हर रोज़ का एक खर्चा बना के दे और उस दिन तुम अगर जिस भी दिन तुम उतना खर्चा का कमाई तुम कर लो, उसके बाद जितने भी रोगी आए उनका तुम फ्री में इलाज करो। तो वह इस बात से खुश हो जाता है और चला जाता है और वह पत्नी को ऐसे लिखने बोलता है। कभी पत्नी उसे 500 का देती है और 500 रुपये का खर्चा लिख के देती है और बोलती है कि आज अपनी बेटी के पुस्तकें लानी है इसलिए इतना खर्चा हो जाएगा। कभी कुछ खास नहीं होता तो बोलती है 100 रुपये तक चलेगा, और कभी कोई त्यौहार आ जाता है होली दिवाली या कुछ भी तो बोलती है 1000 रुपये तक आज कमा के आना। ऐसे करते करते कुछ हफ्ते होते हैं। फिर एक दिन जब उसकी बेटी और वो क्लिनिक में थे, तब एक आदमी आता है अपनी बेटी के साथ, जो और वो आदमी बहुत दुखी रहता है। आदमी बोलता है कि आपसे पहले मैं 4-5 डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, सबने बोला है कि मेरी बेटी अब कुछ समय की मेहमान है और अब नहीं बचेगी। तो और मैंने सोचा एक और क्लिनिक है, पूछने में क्या जाता है, अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो कर दीजिए। तो वह अपने हिसाब से दवाई लिखता है और बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए। और फिर उसके बाद वह इंसान पूछता है कि इसका शुल्क क्या होगा। तो वह बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, आप ऐसे ही जाइए और अपनी बेटी को दवाई दे दीजिएगा। तो वह बोलता है नहीं नहीं मैं गरीब नहीं हूँ, आप मुझे ले सकते हैं। तो वह बोलता है कि नहीं, मेरा एक उसूल है कि मैं खर्चे के जितना कमाई कर लेता हूँ उसके बाद चाहे सेठ आ जाए या फिर भिखारी आ जाए, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। तो वह उसे धन्यवाद के अलावा कुछ और नहीं दे पाता और चला जाता है। और ऐसे करते करते फिर 15-17 साल हो जाते हैं, पर वह उसूल को कायम रखता है। और अब उसकी औरत उस दिन बोलती है कि अगले हफ्ते हमारी बेटी की शादी है, तो उसके गहने कपड़े शादी की तैयारी इन सब का पैसा चाहिए, इसलिए आज तुम्हें 10,000 रुपये लाने हैं। वह मनी मन सोचता है कि अगर मैं सुबह से शाम सबसे पैसा लूं तो भी मैं इतना नहीं कमा पाऊंगा। पर वह किसी को बोलता नहीं है, सोचता है कि सब लोग उदास हो जाएंगे। तो वह क्लिनिक खोल लेता है और अपना दिन शुरुआत करते हैं। तो शाम हो जाती है पर वह 1000 रुपये ही कमा पाते हैं। तो उसके बाद एक आदमी कार में आता है और वह अच्छे घर का लग रहा था, कोट पैंट सब पहन के आया और बोला डॉक्टर साहब आप मुझे पहचाने क्या? तो वो बोलते हैं नहीं, पर आप अपना रोग बताइए, मैं आपका इलाज कर देता हूँ। बोला नहीं डॉक्टर साहब कुछ हुआ तो नहीं है, पर लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ 10-15 साल पहले मैं अपनी बेटी के साथ आया था और मैंने आपको अपनी बेटी का इलाज करवाया था जो बहुत मरने की कगार पे थी, और आपने उसका इलाज किया था। बोला हाँ हाँ मुझे याद आ रहा है, वो कैसी है, अब ठीक हुई? बोला हाँ वो पूरी तरह से ठीक हो गई है और अगले हफ्ते उसकी शादी है। तो वह बहुत खुश हो जाता है डॉक्टर, और वह बोलते कि चलो अच्छा मेरे दवाई से वह ठीक तो हो गई। तो वह बोलते हैं कि मैं जिस दिन आपने मेरी बेटी का इलाज किया था उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मेरी बेटी की शादी होगी उस दिन मैं अपनी बेटी के लिए जितना तोहफा जितना पैसा खर्चूंगा उतना ही पैसा, क्योंकि मैंने उस दिन आपकी बेटी को भी देखा था, मैंने सोच लिया था कि मैं उतना ही पैसा आपकी बेटी के लिए भी खर्च करूँगा। तो वह बहुत खुश होता है क्योंकि वह सोच रहा होता है कि 2 मिनट पहले मैं भगवान को कोस रहा था कि मैंने इतने साल जो दान किया जो इतने पुण्य कमाए उसका मुझे तो कोई फल नहीं मिल रहा है, और अभी उसे समझ आ गया था कि निस्वार्थ काम करने का काम कभी बेकार नहीं जाता।